हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एस डायरीज। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज़। हमारी आज की रेसिपी है आइलैंड केक। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि ये केक बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये केक परफेक्टली बनाएं और इसमें कोई गलती ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइलैंड केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, 1 कप कोको पाउडर, 3 कप्स आइसिंग शुगर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून्स बेकिंग सोडा, 1/2 कप दूध का, 1 कप नीम गरम पानी का, 2 अदद अंडे, 2 अदद अंडे। ये सब कुछ बीटर से तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लीजिए। उसके बाद 2 केक पैन्स 6 इंचेस के लेकर उन्हें अच्छे तरीके से ग्रीस कर लीजिए। केक पैन का साइज 6 इंचेस होना चाहिए और आपने 2 केक पैन्स यूज़ करने हैं। और साथ ही साथ ये केक पैन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। आइलैंड केक बनाने के लिए हमें क्लिप ऑन वाला केक पैन चाहिए होगा। आप देख सकते हो जिसके साथ इस तरह का क्लिप है, आपने वो केक पैन यूज़ करना है। अपने बनाए हुए बैटर को इक्वली हाफ कर लें और उसके बाद दोनों केक पैन्स के अंदर आधा आधा बैटर डालकर उसे बेक कर लें। बेक करने से पहले अपने ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस पर 35 मिनट्स के लिए अपने केक को बेक कर लें। केक की बेकिंग का टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, अगर वो 35 मिनट से ज़्यादा टाइम ले तो कोई बात नहीं, आप जब तक आपका केक बेक नहीं होता 5-5 मिनट्स के इंटरवल्स पर बनाते रहिए। चलें अब टूथपिक टेस्ट करते हैं। ले, हमारा केक तैयार है, हमारी टूथपिक क्लियर बाहर आई है। अब हम 300 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट का ले लेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए आपने एक पैन को पानी से भर लेना है और उसके बाद उसके अंदर दूसरा सॉस पैन रखना है और उस दूसरे सॉस पैन के अंदर आपने चॉकलेट ऐड करनी है जिसको आपने मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट करने की प्रोसेस में आपने 1/4 कप दूध का भी चॉकलेट में ऐड कर देना है। आपने चॉकलेट मेल्ट करने के लिए कभी भी डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर चॉकलेट को नहीं रखना, हमेशा नीचे पानी उबलने को रखना है और उसके ऊपर चॉकलेट मेल्ट करने के लिए रखनी है। ये देखें हमारी चॉकलेट कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे इस तरह करके ठंडा कर लेंगे। चलें अब हमारा स्टार्ट होता है आर्टिस्टिक काम। अब हम बनाएंगे अपने माउंटेन्स। सबसे पहले आप अपने स्पॉन्ज के ऊपर से जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको काट दीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 केक के स्पॉन्जेस हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने 2 केक पैन्स यूज़ किए थे और मैंने आधा आधा बैटर करके बेक किया है। अगर आप सारा बैटर एक साथ बेक करने के लिए डाल दोगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और साइडों से पक जाएगा, इसलिए आपने सारा बैटर एक साथ नहीं डालना। आप वीडियो में देख सकते हो कैसे मैं केक के माउंटेन्स काट रही हूँ। आपने सारे स्टेप्स फॉलो करके केक के माउंटेन्स को ऐसे ही काटना है। कोशिश कीजिए कि आप केक के माउंटेन्स ठीक तरीके से काटें। ये बहुत सेंसिटिव केक है, इस केक में की गई हुई एक गलती भी आपका पूरा केक ख़राब कर सकती है।
इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप आइलैंड केक बनाने लगो तो आप अपने सारे काम ख़त्म करके अपना तमाम तर ध्यान सिर्फ केक के ऊपर रख कर केक बनाओ, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी ये पूरा केक ख़राब कर सकती है। लें जी, हमारे माउंटेन टॉप तैयार हो गए हैं। अब जो केक काट कर हमने स्पॉन्ज साइड पे रखा था उसके अंदर 5 टेबलस्पून ऑफ व्हिपिंग क्रीम के ऐड करके उसे अच्छे तरीके से मैश कर लें और अपने हाथों की मदद से माउंटेन टॉप की शेप दे दें उस मटेरियल से। माउंटेन टॉप को आपने केक के साथ जोड़ना है, और कैसे जोड़ना है वो जो हमने मिल्क चॉकलेट मेल्ट की थी वो आपने पहले केक के ऊपर लगानी है और उसके बाद उसके ऊपर टॉप को जोड़ देना है। साथ ही साथ आपने अपने पूरे केक को उस मेल्टेड चॉकलेट से अच्छे तरीके से कवर कर लेना है ताकि कोई भी कोना बाकी ना रहे, पूरा केक उस मेल्टेड चॉकलेट से कवर हो जाए। जब आपका पूरा केक मेल्टेड चॉकलेट से कवर हो जाएगा तो आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम सेम प्रोसीजर से अपनी वाइट चॉकलेट मेल्ट करेंगे, लेकिन वाइट चॉकलेट के अंदर आपने दूध नहीं ऐड करना। वाइट चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ प्लेन चॉकलेट आपने मेल्ट करनी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वाइट चॉकलेट आपने 100 ग्राम्स लेनी है। जब हमारा केक ठंडा हो जाएगा फिर हमने पूरे केक को वाइट चॉकलेट के साथ कवर कर देना है, और जब हमारा केक वाइट चॉकलेट के साथ कवर हो जाए तो दोबारा से 2 आवर्स के लिए आपने उसे फ्रिज में ठंडे होने के लिए रख देना है। चलें, जब तक हमारा केक ठंडा होता है हम अपना जेलेटिन मिक्सचर बना लेते हैं। 3 कप पानी को उबाल लें। उसके बाद उसके अंदर 250 ग्राम जेलेटिन पाउडर का ऐड करके अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लें। साथ ही साथ उसके अंदर ग्रीन कलर का फूड जेल कलर ऐड कर दें। और 3 कप आइसिंग शुगर के भी ऐड कर दें। उसके बाद 10 मिनट के लिए आप जेलेटिन को ब्लूम होने के लिए साइड पर रख दीजिए। 10 मिनट के बाद उस जेलेटिन के पानी में मज़ीद 6 कप पानी के और ऐड कीजिए और थोड़ा सा ग्रीन कलर और डाल लीजिए। जब जेलेटिन के पानी को एक बॉईल आ जाए उसके बाद 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे पकाते रहें और साथ ही साथ इसके बीच में चमचा भी चलाते रहें। जब मिक्सचर बन जाए तो इसको साइड पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। एक और बात, जो आपने जेलेटिन का मिक्सचर बनाया है उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ऐड किया है, आपका जो दिल करता है आप वो फ्लेवर इसके अंदर ऐड करें। अब जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि हमने केक की प्लेट के ऊपर रिंग दोबारा से लगा दिया है और क्लिप को बंद कर दिया है। केक रिंग को बंद करने के बाद आपने केक पैन को क्लिंग रैप के साथ अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। केक पैन के हर तरफ को आपने टाइटली क्लिंग रैप लगाना है ताकि कोई लीकेज ना हो उसके अंदर से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लिक्विड वाला केक है तो इसके अंदर कोई भी गलती पूरा केक ख़राब कर सकती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि काइंडली कोई गलती ना करें, क्लिंग रैप को टाइटली लगाएं ताकि आपका पानी लीक ना हो। साथ ही हम एसीटेट पेपर से केक को चारों तरफ से रैप कर लेंगे और एसीटेट पेपर को बंद करने के लिए हम क्लियर टेप का यूज़ करेंगे। ये देखें हमने कितने अच्छे तरीके से अपने केक को पैक कर लिया है, रिंग के साथ, क्लिंग रैप के साथ और एसीटेट पेपर के साथ। आपने भी एग्जैक्टली ऐसे ही पैक करना है अपने केक को। चलें, अब हमारा टाइम है लिक्विड ऐड करने का। आपने लिक्विड थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, सारा एक साथ नहीं डालना।
जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने थोड़ा थोड़ा लिक्विड करके ऐड करना है, आपने सारा एक साथ नहीं ऐड करना। जब आप सारा लिक्विड ऐड कर दो तो आपने पूरी रात इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना है। ले जी, हमारा केक ठंडा हो गया। अब बड़े हल्के हाथ से और बड़े आराम से आपने क्लिंग रैप उतारना है। सबसे पहले आप देख सकते हो वीडियो में हमारा बिल्कुल थोड़ा सा लीकेज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, बिल्कुल माइनर सा हुआ है। अब आराम से आप अपना क्लिप ऑन खोलेंगे और इस तरह नीचे एक जार रखेंगे या ग्लास, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो, उसके ऊपर केक को रखेंगे और बिल्कुल आराम से और हल्के हाथ से हम केक को रिंग से निकाल लेंगे। अब बड़े आराम से आपने एसीटेट पेपर को केक के ऊपर से उतारना है। आपने जल्दी नहीं उतारना, क्योंकि अगर आप जल्दी करोगे तो केक टूट जाएगा। एसीटेट पेपर को बड़े आराम से और हल्के हाथ से आपने केक के चारों तरफ से उतारना है। ये देखें कितने आराम से हमारा एसीटेट पेपर उतर गया है और केक भी बिल्कुल ठीक है, टूटा भी नहीं है। अब हम वाइट जेल फूड कलर यूज़ करते हुए केक के ऊपर वेव्स बना लेंगे और माउंटेन टॉप्स को भी दोबारा वाइट फूड जेल कलर से कलर करेंगे। तो चलें, हमारा खूबसूरत आइलैंड केक तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसकी खुशी में हमने बनाया है आइलैंड केक। हमारी दुआ है कि फ्यूचर में भी आपको हमारी रेसिपीज़ इसी तरह पसंद आती रहेंगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर रेसिपीज़। 2020 का आइलैंड केक ट्रेंड हमने पूरा किया। जब तक हमारी न्यू रेसिपी आती है, हमारी तरफ से बाय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।